Hello students. So students, in our previous videos we have learned about nouns, and in that we have learned about different kinds of nouns. Correct? We have learned common noun, proper noun and collective noun. We have completed these three kinds of nouns, right? So today we are going to learn about abstract noun and material noun. Only these two were left, so today we will start with abstract noun. What is an abstract noun? An abstract noun is the name given to a quality, feeling, action or state which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched. An abstract noun is the name given to a quality, feeling, action, state which can only be thought or felt. इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं या फिर हम उनके बारे में ऐसा महसूस कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी सीन और टच. हम उसको फील, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम उसको हमारी आंखों से देख सकते हैं. ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और हमारे उसको हम बस सोच सकते हैं. ये हमें दिखाई नहीं देता है, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स हैं, एन ओल्ड मैन फेल्ट अ ग्रेट पेन. ओल्ड मैन किस में है, बहुत ही ज़्यादा किस में है, वो पेन में है. तो जो जो हमारा पेन होता है, हमारा दर्द होता है, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. हम उसको देख नहीं सकते, हमारे पेन को हम पेन को सिर्फ फील करते हैं. हम देख किस को सकते हैं, जो हमारी चोट लगी हम उसको देख सकते हैं, बट पेन जो होता है वो क्या होता है, फील होता है. स्टमक में आपके जो पेन होता है, स्टमक एक होता है, तब आप उसको देख सकते हो नहीं ना, हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं. माय अंकल एंजॉयज गुड हेल्थ. अंकल की हेल्थ कैसी है, गुड हेल्थ है. तो उनकी जो हेल्थ है वो एक क्या है, उनकी स्टेट है, उनकी एक ऐसी कंडीशन है कि वो कैसी कंडीशन में, गुड हेल्थ में, उनकी एक स्टेट है ये. द हीट इन समर इज़ वेरी हाई. समर में जो हीट होती है, जो गर्मियों के मौसम की जो धूप होती, हीट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है कंपैरिजन टू विंटर. विंटर में धूप हमें कितनी अच्छी लगती है, हम सोचते हैं सर्दियों में कि हम धूप में बाहर बैठे रहें, बट इन समर द हीट इज़ वेरी हाई. जो हीट है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो उसको हम गर्मी को सिर्फ फील कर सकते हैं. और कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे हैप्पीनेस खुशी है ना, जॉय, सैडनेस, ऑनेस्टी. सो ये सब वर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं, ये फील करने के लिए होते हैं, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं या फिर हम इनके बारे में सोच सकते हैं. हम हैप्पीनेस को टच कर सकते हैं, खुशी को हम टच कर सकते हैं, नो, बट दे कैन ओनली बी फील और वी कैन ओनली थॉट अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मटीरियल नाउन. वॉट इज मटीरियल नाउन? अ मटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटीरियल और सब्सटेंस विच of which things are made. एक material noun जो है वो एक ऐसा noun है जिसमें material से जो सामान बनता है, जो things बनती है, उसका use और ऐसे material जिनका, जिनसे हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं. Like examples, ornaments are made of gold. ऑर्नामेंट्स किससे बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो हमारी होती है, तो ऑर्नामेंट्स किससे बने हैं, गोल्ड से बने हैं. कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया. कॉटन जो है वो इंडिया में ग्रो की जाती है, उगाई जाती है. सो क्या है ये, कॉटन. क्ले इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स. क्ले किस लिए यूज़ में आती है, ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए. अब जो गोल्ड है, कॉटन है, क्ले है, गोल्ड से हम कितना कुछ बना सकते हैं. हमारी ज्वेलरी जो होती है, जैसे रिंग हो गई, एंकलेट हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम गोल्ड से बना सकते हैं हमारी ज्वेलरी के साथ साथ, राइट?
कॉटन से, कॉटन से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, राइट। पिलो, पिलो का, पिलोज होते हैं वो बनते हैं, और शर्ट्स बन गए, है ना, क्लोथ्स के अंदर आ गए शर्ट्स। तो कॉटन से भी काफ़ी चीज़ें बनती है। नेक्स्ट वी विल कम टू क्ले। क्ले से क्या क्या बनता है? पॉट्स बन जाते हैं, और भी डिफरेंट, ये जो हमारे हम जिसमें फ्लावर्स उगाते हैं वो वाले गमले हो गए, राइट। पॉट्स हम जिसमें पानी पीते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स विच वी कैन मेड बाय दीज मटीरियल। सो दीज आर कॉल्ड मटीरियल नाउ। सो विद दिस मटीरियल नाउन आर नाउन टॉपिक इज फिनिश। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट। इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक नाउन, सो यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क। ओके।